नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मौसम को लेकर। बिहार में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। बता दें कि मंगलवार को सामान्य से मध्यम बारिश के आसार हैं। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि 26 जनवरी के बाद प्रदेश में एक बार फिर से ठंड करवट बदलेगी। ऐसे में यह भी कहा गया है कि राज्य के दक्षिणी हिस्से में कोहरे और पूर्वी बिहार में कड़ाके की ठंड के पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो 26 जनवरी से पछिया हवा चलने की बात कही गई है। मौसम विभाग की माने तो 25 जनवरी को उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्व में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि बाकी के हिस्से में बारिश के आसार लगभग खत्म हो गया है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि 26 तारीख को कुछ एक जगहों पर बादल बने रहेंगे और इसका पूर्वानुमान जो है वह पहले से ही जारी किया गया। लेकिन यह भी कहा गया है कि बारिश होने की कोई भी पूर्वानुमान नहीं है, यानी कि 26 तारीख से जो है कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश के किसी भी तरह के पूर्वानुमान को जो है मौसम विभाग ने खारिज किया है। इसके साथ साथ यह भी कहा है कि प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी और मध्य बिहार में मध्यम से घना कोहरा बना रह सकता है। आकाश साफ रहेगा। रात के पारे में अधिकतम 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। सोमवार को प्रदेश के कई इलाकों में सामान्य से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि यह मौसमी बदलाव चक्रवाती क्षेत्र एवं इसके आसमान में दो टर्फ लाइन के गुजरने से हो रहे हैं। इन्हीं की वजह से तकरीबन समूचे बिहार के आसपास में सोमवार को बादल छाए रहे। बिहार में हुई बारिश और पछुआ हवा कारण एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। इस दौरान लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। IMD से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिणी बिहार में रात का तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री अधिक रहा। इधर राजधानी पटना की बात करें तो न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक यानी कि 15.4 डिग्री सेल्सियस और गया का सामान्य से 6 डिग्री यानी कि 14.8 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। पूर्णिया में रात के तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। उत्तरी बिहार में रात्रि का तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री अधिक रहा है। तो एक तरह से कह लें कि ये जो टर्फ लाइन की बात जो कही गई है मौसम विभाग की तरफ से कि दो टर्फ लाइन के चलते पूरे बिहार में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 26 जनवरी के बाद से मौसम साफ होगा, यानी कि आकाश में बादल नहीं होंगे, बारिश नहीं होगी और उसके बाद पछुआ हवा चलेगी। जब पछुआ हवा चलेगी तो कनकनाहट और ठंड वाली जो स्थिति है एक बार फिर से बिहार में लौट आएगी। बारिश के कारण भले ही हवा का रुख बदला हो, पूर्वैया हवा चल रही हो, इसके कारण जो है न्यूनतम तापमान और उच्चतम तापमान में भले ही बदलाव हुआ हो, यानी कि तापमान ऊपर चढ़ा हो, लेकिन जैसे ही पछुआ हवा चलेगी बिहार में एक बार फिर से हाड़ कपाने वाली ठंड की शुरुआत होने वाली है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा कि 26 जनवरी के बाद से बिहार में पछुआ हवा का रुख होगा और उसके बाद से फिर से कनकनी बढ़ेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।